कैसा हो यार आप लोग, आ चुके हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले वीडियो के साथ। और गाइस यार आ चुका हूँ जॉर्जो पुल। गाइस इस गेम प्ले में टोटल 29 किल्स होने वाले हैं। गाइस बहुत तबाही गेम प्ले है और मैंने बहुत दिनों के बाद सोलो वर्सेस स्क्वाड में जॉर्जो पुल उतरा हूँ। अब भाई देखो, चाहे वो पबजी रहे चाहे BGMI रहे, भाई किस्मत तो रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि हम लोग को उतरने के बाद शॉटगन के अलावा कोई गन तो यहाँ नसीब होने से रही। फिलहाल मैं वहाँ से भाग के आता हूँ वेयरहाउस में और एक बंदे को मैं सामने ही शॉटगन मिल जाती है जो कि मेरे फायर करता है, ठीक है, मुझे मारने के लिए। लेकिन मुझे एक बुलेट टच होती है, मतलब शॉटगन की छोटी सी छितर के जो पड़ती है वो बुलेट टच होती है, तो मुझे हल्का सा यहाँ पर डैमेज होता है। फिलहाल मेरे पास गन नहीं थी और मेरे पास एक VSS थी मटर की गोली वाली, और इस वाले वेयरहाउस में आता हूँ लूटने के लिए। लेकिन सामने एक बंदा कैंप कर रहा होता है जिसको यहाँ पे मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, तो मैं भाग के जाता हूँ रश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे उसके और टीममेट दिखते हैं, तो मैं इज्जत से पहले वेयरहाउस में आता हूँ, क्योंकि भाई कभी मार वार दिए हो और फिर दिक्कत हो जाए, और वैसे भी हेल्थ नहीं है मेरे पास तो भाई और दिक्कत होगा। अब यहाँ पे एक बॉट आता है जिसको यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जो सामने बंदे थे ना, मैं जब बॉट को फिनिश कर रहा होता हूँ, ये मौके का फ़ायदा उठा कर मेरे पर रश कर देते हैं, और सामने दो बंदे थे तो करते हैं उनको फिनिश। अब एक को यहाँ नॉक कर दिया था, बारी थी दूसरे की। अब भाई यहाँ पे मैंने दोनों को लगे हाथों नॉक और फिनिश कर देता हूँ, और इस वाले बंदे के पास भाई साहब AKM मिलती है। अब बारी थी उन बंदों की जो सामने कैंप कर रहे थे। अब यहाँ से मुझे फुटस्टेप आई थी, लेकिन बंदा बाहर होता है तो कर देते उसको नॉक। अब ये बंदा यहाँ पे नॉक हुआ था तो इसका मतलब उसका टीममेट अगल बगल होगा, और मुझे उसकी फुटस्टेप भी आई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे M249 मिल जाती है, तो पहले मैं M249 ले लेता हूँ। अब जाते हैं देखने उन बंदों को, भाई कौन से बड़ी टोप है वो। अब सामने मुझे बंदा माउंट चल गया था कंटेनर के अंदर है, जिसको मुझे फिनिश करना था। लेकिन भाई साहब क्या ही फायर कर रहा था, क्या ही जिगल मार रहा था, तो जाते फिनिश करने के लिए। ओ भैया हेल्थ देखो मेरी एक बार तुम, भाई साहब अगर एक बिल्ड गलती से और टच हुआ था इस बंदे की ना, दिक्कत होता। फिलहाल फिनिश कर देते हैं उसको। सामने आता मुझे ये बंदा दिखता है जिसको फिनिश करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता, और भाई के पास में मुझे कम माल की लूट मिलती है, तो मैं लूट के आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक बॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ एक फ्लेयर निकलता हूँ मुझे दिखता है, तो मैंने बॉल्ट को फिनिश कर दिया था और फ्लेयर को देखना था। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक और बंदा था जो कि बहुत देर से फायर कर रहा था, बॉल्ट पे फायर कर रहा था, मेरे पे फायर नहीं कर रहा था। लेकिन बस बारी थी उस बंदे को फिनिश करने की। अब उस बंदे के पास में स्पाइडरमैन का वेब शूटर होता है, तो वो बंदा ट्राई कर रहा था इस वाले क्रेन चेन जो बोल लो इसके ऊपर चढ़ने की, लेकिन चढ़ नहीं पाता, मैंने उसको डैमेज दे दिया था। अब बस जाकर फिनिश करना उसको बाकी था। अब देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है ना, कि आप डैमेज देते हो और सीधा रश कर देते हो, और मैंने एग्जैक्ट वही किया था। लेकिन जब मैं आया रश करने के लिए, भाई साहब जो बंदा सामने था वो बंदा पता नहीं कहाँ को जाकर छुप गया था, तो यहाँ पे मैं फिर भी अंधा पुश कर देता हूँ, और पता नहीं वो बंदा मेरे राइट साइड कैसे प्रकट हो जाता है, तो बस देखते हैं उस बंदे को। अब लकीली मेरे पास में M249 होती है, तो मैं उस बंदे को आराम से यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, लगे आता हूँ फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेरे को सामने की तरफ से फायर सुनाई दी थी, तो मैं आया उधर देखने के लिए। अब जिस हिसाब से फायर हुआ था ना, मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई बंदा बॉट स्पैम करने की कोशिश कर रहा है, मैं बॉट समझ के उसको जाऊँ मारने का, वो बंदा मुझे मार दे, लेकिन ये बॉट ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको आराम से नॉक कर देता हूँ और लगे आता हूँ भाई फिनिश भी कर देता हूँ। अब बस बारी थी उनकी जिनको यहाँ पे मैंने मारा था लूटने की। अब मैं लूट ही रहा होता हूँ, सामने एक और बॉट आता है जिसको यहाँ पे मैं आराम से नॉक और फिनिश दोनों कर देता हूँ। फिलहाल इनको यहाँ ख़त्म करने के बाद यहाँ कोई मिलता नहीं है, तो मैं आता हूँ जॉक की साइड में। लेकिन इस वाले अपार्टमेंट या कह लो वेयर हाउस के पास में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई बिल्कुल अकेला नहीं था, अकेला होने का नाटक कर रहा था। फिलहाल इसको यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, उसका पैर यहाँ पे मुझे दिख गया था। अब इसको यहाँ पे जैसे मैं फिनिश करता हूँ ना, लूटने गया ही था भाई, सामने की तरफ से मुझे एक US आते दिखती है और M249 और +4X, लेकिन नॉक नहीं कर पाता, नेट के इशू के कारण पता नहीं क्या था, लेकिन नहीं कर पाता। फिलहाल इस यहाँ विक्टर को यहाँ पे आराम से हम लोग खत्म कर देते हैं, लूटते हैं इसको। इसका एक टीममेट भाई पीछे छुपा हुआ था जो कि इसकी गाड़ी पे अंधाधुंध फायर करता, मतलब छलनी कर देता सीना इसका। फिलहाल वो मुझे यहाँ पे दिख गया था, मुझे 4X से उसको ख़त्म करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। अब भाई M249 4X का स्प्रे कैसा लगा नीचे कमेंट में जाकर बताना, अगर पसंद आया स्प्रे ना तो लाइक भी करना। फिलहाल मैं जाता हूँ उनके ऊपर रश करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बंदा जाकर रिवाइव हो रहा हो,
लेकिन ये बंदा भाई साहब यहाँ पे अकेला था, और फिर से देखो नेट का प्रॉब्लम, क्या बताऊँ मैं। फिलहाल इसको यहाँ पे फिनिश करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से लूट कर आता हूँ पोचिंग की बंदे वाले, और लकली यहाँ पे मुझे बंदे भी मिलते हैं जो कि मेरे बिल्कुल सामने थे, और ये दो बंदे थे और दोनों को चुन चुन के मारेगा अपन, देखते जाओ कैसे। अब एक को यहाँ पे मैंने डैमेज दिया था, वो चल चुका था नीचे की तरफ, लेकिन फिर से ऊपर आ गया तो जाते रश करने। अब यहाँ पे मुझे आवाज़ ऐसी आई थी कि बंदे भाई भाग रहे पीछे की साइड में, तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट की इज्जत से जाकर रश कर देता हूँ, लेकिन तभी मुझे ऐसी फुटस्टेप आती है कि बंदा ऊपर की साइड ही है, तो यहाँ पर से मैं दो मोली फेंकता हूँ और रश कर देता हूँ सीधा। अब यहाँ पे मैं जब रश कर रहा होता हूँ, मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि टीवी भी ले रहा होता है, तो आराम से उसको नॉक कर देते हैं, और ऊपर एक बंदा जिसको मैंने मॉली फेंका था, वो बंदा मॉली से ही नॉक हो जाता है, तो वो बंदा नीचे की साइड आ रहा होता है, तो उसको आराम से फिनिश कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, और लूटते हैं इनके डब्बों को। और पोचिंग की साइड से फायर आ रहा था, तो मैं जाता हूँ उधर चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरा कट गया यार, बहुत गंदा वो भी भाई साहब। ये तो बॉटबा होता है, बॉल्ट बाबा होते हैं वैसे ये तो। फिलहाल इस बॉल को खत्म करने बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, अब बस बारी था यहाँ से निकलने का, तो मैं डासिया लेने आता हूँ। और ये क्या है भाई, सामने बंदा लूट कर रहा है। फिलहाल इसको नॉक और फिनिश दोनों कर देते हो, अब देखो कैसा भुक्का रही है भाई साहब, लूट कर रहा है मतलब बंदा नॉक हो गया, कोई परवाही नहीं है उसको, तो इसको लॉबी पहुँचाते हैं आराम से। अब देखो इसको यहाँ पे मैंने जैसे फिनिश किया, पीछे एक यूएस की मुझे साउंड सुनाई थी, और पीछे एक बंदे को भी मैंने स्पॉट कर लिया वेयरहाउस के अंदर जाते हुए। अब यहाँ पे क्या सीन होता है ना, वो बंदे दो थे लेकिन मुझे फुटस्टेप एक की आई थी, और मुझे एक का यहाँ पर टकला दिख रहा था। मैं उसके टकले पे एक दो हिट करने का ट्राई करता हूँ, एक दो हिट लगता भी है मेरे ख्याल से, और उसके बाद सामने से दो बंदे रश करते हैं जिनको आराम से यहाँ पे मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब देखो यार, ये दो बंदे भी नॉक हुए, तो उसका मतलब वेयरहाउस में एक बंदा और है, जो सामने वाला वेयरहाउस है उसमें एक और बंदा और है। अब यहाँ पे मैंने एक और बंदे को नॉक कर दिया था, मतलब कह लो टोटल तीन बंदे नॉक थे, तो मतलब एक बंदा वहाँ पे पक्का होगा क्योंकि तीनों नॉक हुए हैं यार, इसीलिए। अब मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे रश कर देता हूँ, और उसका टीममेट भाई ये देखो कैसे डर के मारे भाग जाता है नीचे अपने टीममेट को छोड़ के। फिलहाल ये बहुत गलत बात है, कसम से बहुत ही गलत बात है। फिलहाल अब यहाँ पे तीन नॉक थे, एक को फिनिश कर दिया था, और एक बंदा नीचे की तरफ भागा था जो कि ये था। भाई कहाँ छुप रहा हो यार, मतलब किससे छुप रहा हो बताओ, मैं देखो तुम दिख गया, मैं तुमको आराम से मार दूंगा, मार दिया। फिलहाल इसको यहाँ फिनिश करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आराम से लूटते हैं इन लोग को, और भाई यहाँ से निकल लेते हैं जोन की तरफ, और जोन बना था मिलिट्री बेस के साइड में, तो मैं गाड़ी घुमा के बस बंदे खोज ही रहा होता हूँ, और यहाँ पे मुझे दो बंदे स्पॉट होते हैं। और भाई सच बताऊँ, यहाँ पे दो बंदे नहीं थे, मैं गलत था यहाँ पे, यहाँ पे दो टीम थी। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि ये जो दो टीम थी ना, ये दोनों टीम की फाइट हो जाती है आपस में, और यहाँ पर से मैं थर्ड पार्टी करता हूँ। अब ये लोग बंदे क्या कर रहे थे ना, नॉक कर रहे थे दूसरे टीम को, और यहाँ पे मैं बड़े ही लगन से, बड़े ही मगन से इनका किल में चुरा रहा था, बस देखते जाओ कैसे। वो कहते हैं ना, दो मैने की लड़ाई में एक बिल्ली झपटा मार लेती है, ऐसे कुछ कहावत था। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक को यहाँ पे फिनिश कर दिया था, और बाकी बचा दूसरा बंदा जो कि मुझे सांप बना हुआ दिख गया था यहाँ पे, तो उसको भी करते हैं फिनिश यार। अब यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे खत्म हो चुके थे, मुझे लगा था पूरी स्क्वाड वाइप हो गई है, अब कुछ बचा वचा नहीं है, तो जाते हैं लूटने के लिए। लेकिन भाई देखो यहाँ पे मेरा क्या ही सदमा लगा है मुझे, बस देखते जाओ। अब यहाँ से मैं निकल रहा था भाई, गजब फायदा होता है, मेरा अंधा फायदा होता है ये तो मैं कहूँ, बच गया यहाँ पे। तो पहले मैं भाग के आता हूँ इस वाले कुछ जगह वगह पे, कि भाई मैं आगे कम से कम हेल्थ वेल्थ अपना करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा उस बंदे को। और सच बताऊँ, मेरे पास हेल्थ भी बहुत कम थी, अगर मैं जाकर ऊपर में जाकर फाइट लेता तो दिक्कत होता। अब मैं यहाँ पे जैसे आता हूँ, मेरे पीछे भी एक बंदा था जो कि मेरे पे ग्रोजर से फायर करता, ये तो कहो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं भाग जाता हूँ वहाँ से, नहीं तो जिस हिसाब से मेरे पे फायर हुआ था ना, बचना बिल्कुल तय नहीं था भाई, सच बताऊँगा। अब मैं हेल्थ करता हूँ अपने ऊपर और गाड़ी के ऊपर, जो डासिया से मैं आया था उसमें स्मोक करता हूँ, और डासिया लेकर निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता दो टीम के बीच में मैं फंस जाऊँ, क्योंकि भाई मैं सोलो बंदा हूँ, वो लोग स्कॉल्ड है, वो लोग नॉक होंगे तो रिवाइव भी हो जाएंगे, अगर मैं नॉक हुआ ना तो सीधा लॉबी पहुँचूंगा। अब यहाँ से मैं जा था बंदी की लोकेशन देखते देखते, अब मुझे यहाँ पे दो बंदा स्पॉट होता है, तो मैं निकल कर फिर से घुमा लेता हूँ गाड़ी, कि चलो यार जाके मार ही देंगे, हम ही ये पिलो, हम ही ये खिलाड़ा। लेकिन भाई जो यहाँ पे मेरे पे पड़ती है ना, मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ इज्जत से, क्योंकि मुझे मरना नहीं था इतने अच्छे खासे किल के साथ में। तो यहाँ से मैं निकल कर जा रहा होता हूँ, सबसे पहले एक वेयर हाउस के पास में एक छोटा सा कोई घर वर मिल जाए, लेकिन सामने मुझे एक जॉब दिखता है, और भाई लालची इंसान तो मैं हुई यार, तो मतलब
आ जाता हूँ मैं इज्जत से लूटने के लिए, और भाई के पास में मतलब आ जाती है ओम, तो ओम लेके अब मारेंगे बंदों को। लेकिन सामने की तरफ से फायर आता है तो मैं कवर में आता हूँ, और इतना मालूम चल गया था पहाड़ी पे एक टीम है जिनको मुझे फिनिश करना था। लेकिन जोन इस हिसाब से बना है ना कि जोन बनेगा ओपन में, और जोन के अंदर कोई घर वर भी नहीं है जहाँ पे मैं रह के थोड़ा सा कवर लेके मैं मार पाऊँ। अब जो लास्ट में जैसे मैं मारूंगा ना बंदों को, भाई देख के बहुत फनी सीन होने वाला, बस देखते जाओ। फिलहाल मैं वहाँ से निकल के आता हूँ एक वेयर हाउस में, छोटा सा घर में आकर थोड़ा वेट करता हूँ जोन छोटा होने का। अब मारना था बंदों को। अब देखो जो पहाड़ी पे वाले बंदे थे वो यार जोन निकल चुके थे, तो उनको खत्म करना था। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ उसको हेडशॉट मारने का गाड़ी पे, लेकिन देखो यार नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो आके स्प्रे मारते हैं उसमें। अब यहाँ पे मैंने अच्छा खासा स्प्रे मारा था और गाड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, तो यहाँ पे मैं चला गया सीधा रश करने के लिए। लेकिन सच बताऊँ जहाँ पे मैं गया रश करने ना, वहीं पे भाई बहुत सारे बंदे लेटे हुए थे, बस देखते जाओ। अब देखो यार जिस हिसाब से यहाँ पे जोन बना था, अगर यहाँ पे मैं सांप नहीं बनता ना तो बंदे कहीं से भी मुझे मार सकते थे, और आप लोग खुद देखो यार कहाँ कहाँ बंदे सांप बने पड़े हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप थोड़ा सा स्पीड कर दिया हूँ, बिकॉज थोड़ा देखने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई ये लंबा क्लिप चला है, बहुत देर तक चला है क्लिप सच बताऊंगा। और लास्ट जोन के फाइट कम से कम आप लोगों को देखना चाहिए कैसे उसमें किल निकाला जाता है, कैसे कैसे क्या निकाला जाता है। फिलहाल देखो मुझे सामने एक बंदा नॉक मैंने यहाँ पे कर दिया और उसको फिनिश भी कर दिया, वो मुझे दिख रहा था आराम से, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और दूसरा मुझे नॉक पड़ा वो दिखा, तो मैंने उसको आराम से हमें फिनिश कर दिया। तो मतलब टोटल यहाँ पे 26 किल हो चुके थे, और मेरा एमओ भी थोड़ा खत्म हो गया था। मैं गया आराम से लूटने के लिए डब्बे को कि थोड़ा बहुत मुझे एमओ मिल जाए, फर्स्ट एड में उठा लूँ, क्योंकि लास्ट जोन में हो सकता है हील बैटल भी करना पड़े। लेकिन देखो यार एक बंदा मेरे सामने लेटा होता है, भाई क्या हो, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, मतलब लेटा हूँ तुम्हारे। फिलहाल इस बंदे को यहाँ पे मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ, अगर ये बंदा मुझे पहले देख लेता ना भाई मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही बताओ नीचे कॉमेंट में क्या करता। फिलहाल यहाँ से मैं अपना जो जो मुझे नहीं चाहिए था मैं उस सबको हटा देता हूँ और फुल बूस्ट हो जाता हूँ। अब मैंने ये बात मैंने बहुत बार ही आप लोग को बताई है, लास्ट जोन में फुल बूस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेल्थ जब आपकी डाउन होती है ना तो वो जो बूस्ट किया हुआ होता है वही आपका रिकवर करता है हेल्थ को। अब देखो मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हुआ था जिसको मैं ट्राई करता हूँ AWM से मारने का, बट भाई देखो यार नहीं मार पाता हूँ, और दूसरा बार रिलोड करके कर देते उस बंदे को ख़त्म। फिलहाल मेरे अलावा बस एक बंदा बचा हुआ था, और मुझे सच बताऊँ उसकी लोकेशन मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि इतना बड़ा जोन है, वो बंदा कहीं भी सांप बना हो सकता है, कहीं भी कैंप कर रहा हो सकता है। वैसे मैं भी कैंप कर रहा हूँ, वो बात अलग है, दो बंदे बचे हुए हैं इसीलिए। अब सच बताऊँगा जिस हिसाब से आप मतलब वो नेट वेट कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सीरियसली बहुत गंदा। उसने पहले मॉली फेंका, फिर उसके में एक स्मोक फेंक दिया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिलहाल सामने मुझे बंदर दिख जाता है तो कर देते हैं उसको ख़त्म। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस यही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हूँ मेरे भाई तो जाकर अभी जाकर सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय। और गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार।